नमस्कार, गैप फाइनेंशियल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में मैं सीए राकेश रोशन आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। एक फटाफट अपडेट है, 20 मई 2021 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक सर्कुलर इशू किया है और जिसमें ये बात कही गई है कि वेरियस जो डेट है असेसमेंट ईयर 2021 का, उस डेट को बढ़ा दिया गया है। तो आपने थंबनेल बिल्कुल सही देखा, इनकम टैक्स ड्यू डेट एक्सटेंडेड फॉर वेरियस रिटर्न, सर्कुलर इशू हुआ है 9/21 फाइल नंबर 225/49/2021 ITA सेकंड। आप देखिए ये बातें कहां से निकल के आ रही है, ये बातें जो निकल के आ रही है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक नोटिफिकेशन आई है। चलिए उसको फटाफट रेफर करते हैं और फिर देखते हैं कि कौन कौन से डेट हमारे एक्सटेंड हुए हैं। चलिए अपने सामने एक सर्कुलर नंबर 9/21 जो रिलीज किया गया है, फाइल नंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस 20 मई 2021 को, और इसमें बहुत सारे आपको रिलीफ दिया गया है कि देखिए 2-3 पेज का ये सर्कुलर है। तो फटाफट इसका एक समरी लेते हैं कि कौन कौन से डेट को एक्सटेंड किया गया है वो देख लीजिए। चलिए सबसे पहले हमारे को जो रेलेवेंट है हमारे को वो डिस्कस करते हैं। चलिए इनकम टैक्स रिटर्न जो है नॉर्मल एसएससी के लिए जो इनकम टैक्स रिटर्न है जिसका ड्यू डेट 31/7/2021 था, आप सब लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट का साइट अभी नया बनने वाला है जिसके चलते 1 जून से लेकर 6 जून तक लॉकडाउन भी लगना है गवर्नमेंट की इनकम टैक्स के वेबसाइट पे। वो असेसमेंट ईयर जो ओरिजिनल डेट है आपका 31 जुलाई 2021 वो बढ़ा के कर दी गई है 30 सितंबर 2021, राइट। तो एक ये है ऑडिट रिपोर्ट जिनका ऑडिट होना है, जो ओरिजिनल डेट है 30/9/2021 को, उसको बढ़ा के 31/10/2021 कर दिया गया है। 1 महीने का एक्सटेंशन ऑडिट रिपोर्ट में भी चला गया है। चलिए ITR जो 31/10 को जो ऑडिटेड का केस था उसको भी 30 नवंबर कर दिया गया है, मतलब एक एक महीने का एक्सटेंशन इधर मिला है। और अगस्त और सितंबर यानी कि 2 महीने का एक्सटेंशन नॉर्मल टैक्स पेयर जो इंडिविजुअल टैक्स पेयर है उनको मिला है। इसके साथ ही साथ जो बिलेटेड रिटर्न हुआ करते थे जिनको आप लास्ट बाय इस साल 31 दिसंबर तक फाइल करके आप कर सकते थे, उसके लिए डेट भी 1 महीना जनवरी कर दिया गया। उसके अलावा वेरियस फॉर्म जो है वो भी आपको डेट एक्सटेंड किए गए हैं, स्क्रीन पे आपके सामने है। वेरियस डेट जो है आपका किया गया SFT का ट्रांजेक्शन, TDS रिटर्न जो पिछले साल का जो क्वार्टर फोर का 2021 का जो ओरिजिनल डेट 31 मई 2021 है उसको भी 1 महीना एक्सटेंड कर दिया गया है। और जो TDS सर्टिफिकेट इशू करने का जो डेट है वो भी आपको बढ़ा के 15 जुलाई कर दिया गया है 15 जून से। तो जब तक आपके पास TDS सर्टिफिकेट नहीं आएगा मेरा ये सजेशन है कि आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करेंगे। वैसे भी अभी तक आज 20 मई तक गवर्नमेंट ने एनेबल नहीं किया है ई फाइलिंग पोर्टल को और 1 जून से वो बंद ही है। और जैसे ही 25 तारीख के बाद आपका लॉकडाउन ओपन होगा तो 5 दिन बचता है, अगर फॉर्म आ जाता है तो रिटर्न फाइल करेंगे, लेकिन वैसे SSC जिनका TDS कटता है वो लोग नहीं करेंगे। तो अभी इसके लिए सेपरेट वीडियो बनेगा, अभी फिलहाल एक अपडेट था कि इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो एक्सटेंड हुई है, इनकम टैक्स ड्यू डेट एक्सटेंड हो गई है। तो उस पर एक छोटा सा क्विक अपडेट हम आपके लिए लेकर आए हैं। चलिए बने रहिएगा इस चैनल पे, ऐसा ही कुछ क्विक अपडेट हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तब तक बने रहिए इस चैनल पे, और आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आए तो नोटिफिकेशन आपको मिले। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही कुछ वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।